48 नॉर्मल कार्ड्स हो सकते हैं नॉन किंग वाले कार्ड्स बोल सकते हैं हम जिन्हें ठीक है अब फर्स्ट पार्ट में क्या है कि अगर हमें कितने कार्ड चूज करने हैं सेवन कार्ड चूज करने हैं जिसमें क्या हो ऑल फोर किंग्स हो तो वेज कितने जाएंगे सी फोर किंग्स होने ही होने चाहिए तो मींस फोर किंग्स में से फोर को चूज करना है तो फोर किंग में से फोर को चूज कर लिया तो 4c4 अब अगर हम देखें तो अब बचे कितने कार्ड्स और चाहिए हमें फोर हम चूज कर चुके हैं तो थ्री हमें और चाहिए होंगे तो सेवन माइनस फोर टोटल कार्ड्स तो कितने बचे हैं तो की वैल्यू होती है 1 48 C, 3. तो क्या आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा फोर्टी एट सी थ्री का इक्वल मीन हम बचे हुए कार्ड्स में से कोई से भी थ्री चूज लें क्योंकि फोर तो हमें चूज करने ही

तो अब जब हम कोई से भी थ्री चाहिए तो हमें पता है इन फोर में से भी हमें कोई से थ्री रैंडमली चूज करने होंगे तो कैसे होंगे फोर किंग्स में से हमने थ्री चूज कर लिए फोर सी थ्री इंटू अब बचे कितने एट में से अब हमें बचे हुए कितने चूज करने इस सेवन माइनस थ्री के इक्वल तो यहां से वैल्यू क्या जाएगी फोर्टी एट सी फोर इंटू फोर सी थ्री विच इज इक्वल टू फोर अब फोर्टी एट सी फोर की वैल्यू क्या होती है इट इज इक्वल टू फोर्टी एट फैक्टोरियल अपॉन

उजेंड फाइव हंड्रेड एटी एक्ट फोर थे तो एटलीस्ट थ्री किंग्स का मीनिंग क्या है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा तो एटलीस्ट थ्री किंग का मीनिंग होता है सी पार्ट इसका एटलीस्ट थ्री एटलीस्ट लीस्ट थ्री मीन्स थ्री तो होंगे ही होंगे थ्री से ज्यादा भी हो सकते हैं तो एटलीस्ट थ्री मींस थ्री किंग ए वाला केस जब हमारे पास में थ्री किंग्स होंगे और या फिर हमारे पास में फोर किंग्स होंगे तो इस केस में भी हमारे पास में थ्री किंग्स तो है सही और इस किंग्स में इस केस में भी हमारे पास में थ्री किंग्स तो है सही तो हम इसमें क्या करेंगे वन के टू के और जीरो के वाला केस कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उनमें क्या है थ्री किंग्स नहीं होंगे जब हम चूज करेंगे तो तो अब थ्री किंग्स हमने अभी कैलकुलेट करा कितना या इट प्लस फोर किंग्स वाला हमने ऊपर

1000, ओ नॉट थाउजेंड इट टू लैख इलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी सिक्स तो हमारे थर्ड केस में आंसर रहेगा टू लैख एन टू लैख इलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड से हम एटलीस्ट थ्री किंग चूज कर सकते हैं सो दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन